अब आपको जरा जल्दी से बता देते हैं, अब आपको बताते हैं कि जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है उसके लिए काम कैसे किया जा रहा है, उसके लिए अमेरिका काम कैसे कर रहा है, अब जरा आपको ये हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। चलिए जानकारी जल्दी से अब आपके सामने यहाँ पर रखते हैं, आपको बताते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि अमेरिका की ये बहुत बड़ी तैयारी। ये आप देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसका जिक्र हमने किया था कि गल्फ ऑफ ओमान में है, जो बीच का इलाका आप देख रहे हैं ईरान के पास जो बीच का इलाका है, जी हाँ, वो पर्शियन गल्फ है, और ये यूएसएस अब्राहम लिंकन पर्शियन गल्फ तक जाने की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है, और वहाँ मेडिटेरेनियन सी में, सब मेडिटेरेनियन सी की भी हम बात करें, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जुड़ गए हैं फिर से। मेडिटेरेनियन सी में हम देख रहे हैं यूएसएस हैरी ट्रूमन है। सर जरा ये बताइए, जरा दर्शकों को समझाइए, हम मैप भी दिखा रहे हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन कहा जाता है एक पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, पूरा एक शहर बसा हुआ है, उसमें सारी चीज़ें हैं विनाश करने लायक, सारी चीज़ें वो फ्लोट कर रही है, और वो फ्लोट करके अगर बिल्कुल पहुंच जाए ईरान के पास पर्शियन गल्फ में, फिर क्या होगा? देखिए, यूएसएस का कोई भी स्ट्राइक ग्रुप अगर मूव करता है तो मैं आपको एक मोटे तौर पे बता दूं कि वो एक अपने आप में फुल फ्लेजेड आर्मी है, एक पूरी आर्मी मूव कर रही है, जिसको हम बोलते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि तीन तीन एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं अगर अपने आप में चल रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि तीन अलग अलग आर्मी मूव हो रखी हैं एज फार एज यूएस इज कंसर्न्ड। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलता है? इजराइल को मिलता है, क्योंकि इजराइल अकेला एक कंट्री है जिसके फेवर में ये सब कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल, एक बार जरा दर्शकों को हम समझा देते हैं, क्या हम समझाना चाह रहे हैं। देखिए, ये ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान, और ये है पर्शियन गल्फ, और ये ईरान है जो हम समझा रहे हैं, ईरान है, और ये इराक है, और ये सऊदी अरब है, माफ कीजिएगा पूरा, और यहाँ पर इसराइल है, और यहाँ पर यूएसएस हैरी ट्रूमन है, ये मेडिटेरेनियन सी है। यानी यहाँ से अगर इसराइल को प्रोटेक्ट करना हो सर, तो इसराइल को प्रोटेक्ट करने का घेरा बनाया जा सकता है, कोई देश हमला नहीं कर सकता, ना केवल प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि कोई भी अगर थ्रेटन करेगा उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। देखिए बड़ी बात, किसी भी तरह की मिसाइल अटैक अगर होता है ये उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अगर किसी एक वाइल्ड ड्रीम में भी ईरान बोलता है कि चलिए जी मैं दो जहाज भेजूंगा, वो इससे पहले कि उसकी इराक की बाउंड्री क्रॉस होगी, आप देखेंगे कि ये वाले जो एयरक्राफ्ट एक एक 100-150 एयरक्राफ्ट एक एक यूएसएस कैरियर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो इसीलिए बिठाए हुए हैं कि आपको क्लैरिटी है कि इससे रिलेटेड कोई मिस एडवेंचर मत करिएगा। पहली बात, किसी भी तरह का अटैक आप चाहे हूतीज का देख लीजिए, चाहे कहीं रेड सी से देख लीजिए, वो सारे अटैक नाकाम कौन कर रहा है? इसराइल नहीं कर रहा है, वो यूएस कर रहा है। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं सर, यूएस कर रहा है, और चाहे तो यहाँ से इसराइल को प्रोटेक्ट कर सकता है, और चाहे तो ये यूएसएस अब्राहम लिंकन तबाह कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, ईरान को थ्रेटन कर सकता है। कोई भी कंट्री जो इसराइल के खिलाफ काम करती है वो उसके अगेंस्ट बिल्कुल सॉलिड एक थ्रेट के तौर पर ये यूएसएस कैरियर्स खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कर्नल शैलेंद्र जुड़ने के लिए, और देखिए उन्होंने बड़ी बात कही है, अभी और इसको और बेहतर तरीके से कर्नल शैलेंद्र हमें समझाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। जो आपको बताएं कि खामनेई आज शुक्रवार के दिन जहां पहले जनाजा निकलने वाला था वहां सुपुर्दे खाक कर दिया गया, और जानकारी अभी मिल रही है कि राइफल लेकर ग्रैंड मस्जिद पहुंचे आयतुल्ला खामनेई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राइफल लेकर पहुंचे ग्रैंड मस्जिद पहुंचे हैं आयतुल्ला खामनेई। और देखिए बहुत समय बाद, पहले तो बंकर में चले गए थे, ये जानकारी मिली नसरुल्लाह की मौत के बाद, और उसके बाद अब ये जानकारी मिली कि राइफल लेकर पहुंचे। देखिए 2020 में आपको याद होगा एक बार आए थे, और उसके बाद अब आए, और ये देखिए राइफल की तस्वीर दिखा रहे हैं, बगल में ये राइफल, ये मैसेज क्या है? क्या अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा है, क्या कोई मैसेज देने के लिए रखा है, ये सवाल बना हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीर है जब पहुंचे थे, लेकिन पहुंचे राइफल के साथ, और उन्होंने ये कहा भी, खामनेई की तरफ से ये कहा भी कि इसराइल जो है, इसराइल से हमने बदला लिया, आगे भी हम अटैक करेंगे, बातें तो कही गई, लेकिन हाथ में देखिए ऑटोमेटिक राइफल है। ये क्या बताने की कोशिश है या सुरक्षा करने की कोशिश है, सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी तक तो वो अंदर थे, अंडरग्राउंड थे अभी तक तो ऐसा लग रहा था, लेकिन आप देखिए ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी है। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कर्नल शैलेंद्र सर, ये तस्वीर किस लिए है? क्या बताने के लिए कि तैयारी पूरी है, या बता रहे हैं कि मतलब हम तैयार हैं, आप अगर सोचेंगे भी तो हम ऐसा कुछ करेंगे क्या? इस तरह के फोटोग्राफ्स के तीन इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। हाँ। पहला इंटरप्रिटेशन अगर इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए, खमेनी साहब इतना अनसिक्योर फील कर रहे हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर जो उनकी अपनी सिक्योर बिल्डिंग होनी चाहिए थी वहां पर भी उन्हें राइफल की जरूरत पड़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, एक खमेनी की तरफ से मैसेज है कि अब हमारा आर्म्ड विंग और जो उनका अपना आर्म्ड रिजॉल्व है वो अपने आप में दर्शाना है,
दुनिया को दिखाना है कि यस ईरान में अभी भी ताकत है इस गन को पकड़ने की, इस गन को इस्तेमाल करने की। हालांकि अगर बड़ी प्रैक्टिकली देखा जाए इस गन का जो रेंज है वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होगा, तो 200 से 250 मीटर होगा। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे वो इसराइल तक इस गोली को पहुंचा पाएंगे। बट यस, दीज आर सेरेमोनियल जेस्चर, इन्हीं को प्रोपोगंडा बोलते हैं, इन्हीं को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं कि यस हम टूटे नहीं हैं, हम अभी भी लड़ाके के तौर पर खड़े हैं और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आई थिंक दिस इज द ओनली मैसेज ही कैन कन्वे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कर्नल शैलेंद्र, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाई और बताया भी कि कैसे हमें ये समझ आ रहा है कि अमेरिका का ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो अभी आप समझिए कि इसराइल मिडिल ईस्ट को चुनौती दे रहा है, ज्योग्राफिकली चेंज करने की तैयारी कर रहा है, और जो ग्रेटर इसराइल का सपना है वो अकेले पूरा नहीं होने वाला है, अमेरिका की बैकिंग है उसके लिए, और इसके लिए बकायदा प्लान ऑफ एक्शन तैयार करके अमेरिका के जो बेसिस हैं, जो एम्यूनेशंस हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, या ये कहें कि जो पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसका इस्तेमाल करने की तैयारी। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। पहले इजराइल कर रहा वार, अमेरिका का प्लान प्रहार, इसराइल की मिडिल ईस्ट को चुनौती, क्या इस सब के पीछे है अमेरिका की कूटनीति? अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इसराइल किसके दम पर एक नहीं पांच पांच देशों से टक्कर ले रहा है, लगातार उनको आंखें दिखा रहा है, ताबड़तोड़ मिसाइल बरसा रहा है, तो जवाब है अमेरिका, जिसकी मिलिट्री बेस पूरे पश्चिम एशिया में इसराइल के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि इसराइल ने यूएन में भी साफ कह दिया था कि ईरान का चप्पा चप्पा इसराइल की पहुंच में है। दरअसल अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पर हमला नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी कूटनीति की मदद से पूरे मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है, और इसी अमेरिकी नीति की वजह से इसराइल अपने दुश्मन देशों को आंख दिखाने लगा है। नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इसराइल के हथियार पहुंच ना सके। साफ है कि अमेरिका की मिलिट्री बेस, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी जवान इसराइल की बड़ी ताकत हैं, और ये वही मिलिट्री बेस है, वही जवान हैं जिनकी तैनाती के जरिए अमेरिका सारे मिडिल ईस्ट पर नजर रखता है। आपको बता दें कि बहरीन, इराक, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई, सीरिया, तुर्की, ये वो देश है जहां अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती कर रखी है। हालांकि खाड़ी देशों में मिलिट्री बेस बनाना अमेरिका ने उसी वक्त शुरू कर दिया था जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, और अब इन्हीं मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर इसराइल अपने दुश्मनों का सफाया करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।